गुड मॉर्निंग, आवाज़ येतो आहे? सब ठीक है? ऑडियो वीडियो एनी एरर? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? रिप्लाई प्लीज. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो गाइस, टाइम काफ़ी पैक चल रहा है क्योंकि अन अकेडमी के लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा लंबा शेड्यूल है. सो आप कुछ दिन, एटलीस्ट 3 डेज, जब तक हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होते, यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में जूम पर हमारी जो थेरी चल रही थी, वो अगले चैप्टर की, नए चैप्टर की थेरी जूम पर ली जाएगी. ओके, सो लेट्स सी क्या है आज का क्वेश्चन. सिलेबस बीच में रुक दिया गया था और अब यहाँ से बढ़ना है आगे. स्टूडेंट, आज का ये है क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन. अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर कैरीज अ करंट आई. ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी. डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करके देखना, इसमें क्या है. सर्कल गोल घूम रहा है, गोल सर्कल घूम रहा है. मैं ये डायग्राम फिर से निकालना तो नहीं चाहूँगा, शायद स्ट्रीमिंग में आपको तकलीफ आ रही होगी. नेट डिसकनेक्ट हुआ था मेरा. अब ठीक है, अब स्पीड ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 18 समझना है. चलिए करते हैं स्टार्ट. नंबर 18. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 18 देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू और उस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन भी दिखाई देती है. सो स्टूडेंट, ऐसा मान के चलो कि ये एक लाइन है उस डायग्राम में दिया हुआ, और इस लाइन के अराउंड में ये ऐसा कुछ सर्कल घुमाया हुआ है इस तरह से. सो गाइस, जो करंट की डायरेक्शन है ना, आप किताब, नोटबुक और किताब दोनों भी साथ में रखिए प्लीज़. ये करंट का डायरेक्शन है ऐसा. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन टू यू इन द डायग्राम. एंड उसके बाद कुछ इस तरह की डायग्राम आपको दिखाई देती है. Okay, क्या मतलब होते हैं बताना है मुझे इसके बाद. सो यू हैव टू कैलकुलेट एट पी पॉइंट मैग्नेटिक इंडक्शन. दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. अब ये सर्कुलर फॉर्मेट परफेक्टली नहीं निकला है, अब आप समझ लो इतना. तो ये जो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री करके दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ लाइक ए और बी, ठीक है. तो अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ए बी देना है आपको, पी क्यू देना है, एक्स वाई देना है, आपकी मर्ज़ी. सो स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि अगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो ये अपने आप 45 रह जाएगा, ये भी 45 रह जाएगा ये वाला. क्यों? अब देखिए, ये सर्कल का रेडियस है, तो दोनों साइड सेम हुए, तो दोनों साइड सेम हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भी 45 एंगल बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बन गया, दिया हुआ है हमारे किताब में, और ये भी 45 बनता है. अगर मैं पूरा का पूरा ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, पूरा ट्रायंगल मींस ट्रायंगल ए बी पी न्यूज़. सो ए बी पी जो दिख रहा है आपको पूरा ट्रायंगल, इसके अंदर एंगल ए 45, एंगल बी 45, एंगल पी 90 दिया है, तो टोटल 180 हो जाता है ना. तो अब उसमें से भी अगर ये 90 है, बीच में एक इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ओ ले लेते हैं इसको नाम हम लोग. ये ओ जो एंगल है, ये अगर 90 है, ये 45 है, तो जो बचा हुआ एंगल है उसे मैं लिख सकता हूँ फिलहाल थीटा. ये थीटा, और डायग्राम की कंडीशन से समझ में आ जाता है कि थीटा कितना दिखेगा आपको. थीटा होगा आपका कितना रहना चाहिए, सोच के देखो. 90 माइनस 45, दैट इज रिमेनिंग
अगेन 45। अरे भाई, एक ट्रायंगल पी ओ बी, इसके अंदर एंगल पी ओ बी 90 है, तो एंगल पी बी ओ 45 है, 90 प्लस 45 टोटल 135। और फिर आपके पास में ये थीटा रहता है, तो हम लिखेंगे कैसे इसे, 90 माइनस थीटा और यू कैन से 45, तो टैली हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, करके देख लेना। 90 प्लस 90 180 का ट्रायंगल होता है, राइट। सो ये हुई अब तक की डायग्राम। अब आगे देखते हैं करना क्या है, इसके अंदर सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या निकालना है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, डायग्राम तो हो गई। अच्छा एक चीज़ और है, एक जो ए बी लाइन है, ये नीचे वाली लाइन, इसमें से करंट जा रहा है, वो करंट मान लो आए है, और यही करंट ऊपर जा रहा है, यही करंट कंटिन्यू घूम रहा है इसके अंदर इस लूप में, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो पी पॉइंट है, ये वाला, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो बच्चों याद रखो कि पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो कितना बनता है, 360। 360 में से जो मैंने रेड कलर में कर्व दिखाया, ये हुआ 270। क्यों? क्योंकि किताब में अंदर का एंगल 90 दिया था आपको, ये वाला, अगर ये 90 दिया था तो 270 प्लस 90 360 हो गया। तो अभी अपने को क्या करने का है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, हमको पी पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। सो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो हमें एक्चुअली बी फाइंड करना है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ए बी लाइन के कारण बनेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये गोल वाले कर्व के कारण बनेगा। तो लिखेंगे कैसे, लेट बी वन बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट कैरिंग। अब ये क्वेश्चन में जो दिया है वायर दिया है, तो करंट कैरिंग वायर ए बी, करंट कैरिंग ब्रैकेट में स्ट्रेट वर्ड डाल देता हूँ, ये जो स्ट्रेट वाली वायर है ना, कैरिंग स्ट्रेट वायर ए बी। तो बच्चों सबसे पहली वाली स्टेप में हम लोग ये ए से लेकर ये बी तक की जो वायर है, इसमें से जो करंट जा रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो जो कर्व है इसका हमें फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, कर्व के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। वीडियो इज़ नॉट क्लियर कविता काठोड़े, एक काम करिए, आपके वीडियोस को क्लिक करने के बाद ऊपर जो थ्री डॉट आते हैं ना, उस पर क्लिक करके क्वालिटी पे क्लिक करो, क्वालिटी पे पिक्सल्स को बढ़ा दो, ले लो 480 या उससे भी ज़्यादा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। करके देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये ट्रिक बताई थी कुछ लेक्चर्स के पहले, अब और वो वर्क भी करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो पी पॉइंट है, वो पी पॉइंट हमारे जो सेंटर है वहाँ से कितनी हाइट पर है, तो मैंने ग्रीन कलर से दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो एच इतनी हाइट पर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले बी वन फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम बी टू की बात करेंगे और बी वन प्लस बी टू को ऐड कर देंगे। सो अब लेट बी वन बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ए बी इज गिवन बाय, तो बी वन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, तो बी वन लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एच, और क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर में ग्रीन चेंज करके कलर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये ए पी लाइन है और एक ये बी से पी तक लाइन है, राइट।
तो यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, ये वाला दिख रहा है, और एक ये वाला थीटा, तो यहाँ पे दो एंगल बने, टू टाइम्स थीटा लिखना होगा। इफ वी राइट टू टाइम्स थीटा, इट मीन्स दैट टू साइन थीटा, ओके। तो बी पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट की वजह से और कैपिटल बी पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है वो बी वन में लिखा जा रहा है। और थीटा कितना है? थीटा होगा 45 डिग्री। तो बी वन की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई h टू साइन 45। तो थोड़ा मैं इसी साइड में यही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है बोर्ड पे। सो बी वन इज इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू नॉट आई, 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, 1/√2 बोला जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई h 2 × 1/√2। तो गाइस इस 2 को √2 × √2 लिख देंगे, √2 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक √2 बनेगा। तो इसका बी वन का आंसर क्या आएगा? बी वन का आंसर लिखा जाएगा 1 √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई h। ठीक है, इतना आप लोग पहले लिख लो, फिर आगे बताना है मुझे। कंटिन्यू लिखते रहो फटाफट, क्योंकि लाइव लेक्चर है तो मैं अभी रुकना नहीं चाहूँगा बीच में। मैं थोड़ा सा डाटा रफ करने वाला हूँ ऊपर वाला। तो जो बी का वैल्यू हमारा बन गया है उसमें एच की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब ये ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल का मैं नाम लिखता हूँ, इन ट्रायंगल लाइक ए ओ पी, आपको एच दिख रहा है? एच ओ पी लाइन पे एच लिखा जाएगा, राइट? तो अगर मैं साइन थीटा लगा दूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, साइन 45 का फॉर्मूला बनेगा अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट है एच, हाइपो है कैपिटल आर। सो एच का वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल आर साइन 45। व्हाट इज साइन 45? 1/√2, कैपिटल आर बाय रूट टू। ये वैल्यू एच की जगह पे, इस वाले एच की जगह पे यहाँ पे डाल दो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बना वी इक्वल टू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये जो एच है, एच की जगह लिखा कैपिटल आर, अपॉन वाला √2 गया ऊपर, तो बी की वैल्यू बनी 2 μ0 आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर। सो इसे हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये बी वन की वैल्यू निकली। सर ये 2 और 4 कैंसिल होता है, मत करो, क्योंकि ये आगे चल के कॉमन निकालना है, ऐसी कुछ कंडीशन और बनने वाली है। आई होप आपने लिख लिया होगा, कृपया करके थोड़ा स्पीड में लिखेंगे तो ज़रा अच्छा होगा। अब मैं ये लिखने जाऊंगा कि जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट मतलब कौन सा? मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है सर्कल का, ये वाला पार्ट बचा हुआ जिसमें 270 एंगल बनता है, क्योंकि 90 डिग्री तो अकेली एक लाइन ए बी खा गई। तो ये जो कर्व वाला पाथ है, ठीक है, इस कर्व वाले पाथ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन जहाँ पे जुड़ी थी, यहाँ पे एक नाम देते हैं लाइक ए सी, यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो अब मैं इसे लिखूंगा कैसे, तो इसमें कलर चेंज करके बता रहा हूँ मैं कि बी टू क्या है? बी टू बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क का नाम क्या है? ए सी बी, ये आर्क है ना पूरी ए सी बी, इसकी वजह से बी टू बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ए सी बी सबटेंडिंग, मैं लिख सकता हूँ एट एंगल पी, थीटा एट एंगल पी, ये पॉइंट पी है, इसे भी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय,
तो सबसे पहले आपको ये पता रखना होगा कि जो एंगल बनता है थीटा वो कितना बनता है। वो बनता है सर्कल का, पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, माइनस उसमें से नीचे वाला इतना हिस्सा कट गया, इतना हिस्सा 90 डिग्री कट गया। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ए, ये पी, आर, उस सॉरी आर नहीं, ये बी, ये पूरा जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है। पूरा ट्रायंगल इतना, ट्रायंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये अगर हम पूरा का पूरा कट कर देते हैं इसमें से, अब ये डार्क करने की कोशिश में टाइम पास ज़्यादा होगा, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये पूरा कट गया मान लो इस पूरे सर्कल में से, तो पाई बाय टू माइनस करना है। तो पाई बाय टू माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3 पाई बाय 2 बचेगा, बन गया 3 पाई बाय 2। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बी टू फाइंड करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व बी टू। B1 बना के रख दिया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है मैं जानता था, क्योंकि समझाना काफ़ी क्रिटिकल था इसे। B2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B2 आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर थीटा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर थीटा की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। अब बच्चों ये जो बना है 3 पाई बाय 2, ये इसे आप लोग सेकंड इक्वेशन कॉल कर दीजिए। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, तो अब आपको क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इस पूरे गोल लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। सो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट, देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी, देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज कैपिटल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2। अब आपके पास B1 B2 दिख रहा है, दो इक्वेशंस वो उसके अंदर लिख देनी है। मैं ये मिटा रहा हूँ, B1 वाली इक्वेशन आपकी ऊपर लिखनी है, तो मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये ऊपर लिखनी ही थी। कलर भी चेंज करके इसे मैच कर देते हैं। ये B1 है, प्लस B2 की वैल्यू ऊपर से ली जा रही है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई कैपिटल R 3 पाई बाय 2। ये हुई आपकी कैपिटल बी की वैल्यू तैयार। अब इसको ऐड करके कॉमन निकाल लेना है बस, खत्म। नीचे का लाइन मिटा दूं ये, क्वेश्चन काफी लेंदी था ये, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाना जरूरी था, नहीं तो समझ में नहीं आता था ये। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को कॉमन निकाला गया, तो बचा क्या, 2 प्लस 3 पाई बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक, देख लीजिए एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 3 पाई बाय 2 प्लस रूट टू, रूट टू में नहीं आएगा ये, आंसर 2 में ही आएगा, अंडर रूट 2 के अंदर नहीं आया वाला ये आंसर। आप लोग ट्राई करके देख लो, मैंने कंप्लीट कर लिया था मेरा ट्राई, और इसके बाद मैं श्योर हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन दिखेगा, आंसर इतना खास नहीं है, बहुत मतलब बहुत लेंदी आंसर नहीं है, छोटा आंसर है इसका। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आर सेपरेट बाय द डिस्टेंस कैपिटल आर एंड कैरिंग अ करंट आई ईच इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम बताई गई है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वायर्स एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर इंटू साइन 2 थीटा। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, आपको फाइंड करना है डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसमें। चलिए समझते हैं, सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लियर कर दूँ। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 19, हाँ 19 में आएगा, 20 और 21 एक जैसे क्वेश्चन है हमारे। सो लेट्स टेक अ लुक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 19। डायग्राम को ड्रॉ करना एक बड़ा एक चैलेंज रहेगा। कर लो ड्रॉ फटाफट। दो वायर्स हैं जिसमें से करंट जा रहा है और वो पैरेलल वायर्स हैं, तो जो करंट जा रहा है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बताया गया ऐसा। आपको समझाने के पर्पस से मैं थोड़े कलर चेंज करने के बाद इसका मतलब कलर चेंज करके यहाँ पे ड्राइंग्स निकाल रहा हूँ। आप ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा अपना जो ड्राइंग मतलब डायग्राम निकालना है वो निकालिए। तो ये जा रहा है इसमें से करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसा मानते हैं। दोनों वायर के बीच का जो दूरी है वो है कैपिटल आर, तो डेफिनेटली अगर ये कैपिटल आर है तो इधर वाला डिस्टेंस आर बाई टू और इधर वाला डिस्टेंस वो भी आर बाई टू रह जाएगा। ये आ गया ओ पॉइंट। यहाँ पर ये है एक्स, ये है वाई और ये है कोई पी पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पर है कोई एंगल थीटा, यहाँ पर भी कोई एंगल होगा लाइक थीटा, तो यहाँ पे कितना एंगल बचेगा? ये बन जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है। और इधर वाला कितना बनेगा? ये भी बनेगा पाई बाय टू माइनस थीटा। अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ। और ये जो डिस्टेंस है एक्स से पी तक, इसे स्मॉल आर मान लीजिए, वाई से पी तक भी स्मॉल आर कंसिडर कर लीजिए। अगर हम लोग एक्स वाई लाइन की वजह से, एक सेकेंड मुझे एक बार सिग्नल देखने दो। ओके है, ठीक है, परफेक्ट जा रहा है। अगर मुझे ये कहना है कि एक्स वाई लाइन की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होता है, तो मैं ये कहूँगा कि बी वन और बी टू रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। इसे लिखेंगे कैसे हम लोग? इसे लिखना कैसे चाहिए? लेट लेट बी वन एंड बी टू बी द बी वन एंड बी टू बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ओ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पी ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट एक्स एंड वाई। ये रहा मेरा एक्स पॉइंट, ये रहा मेरा वाई पॉइंट इस लाइन पे। इसके कारण पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वन, एक्स वन के कारण बी वन मान लो, एक्स टू के कारण अपने आप क्या हो जाएगा, या सॉरी एक्स के कारण बी वन मान लो और वाई के कारण बी टू आ जाएगा, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। बी वन का फाइनल एक वैल्यू क्या होता है जो हमने थ्योरी में पढ़ा था? मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्मॉलर। बट फ्रॉम फिगर मैं अगर कॉस थीटा लगाऊं, फ्रॉम फिगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या? ये रहा थीटा, यहाँ पे इतना, ये रहा थीटा, तो एडजेसेंट ये लाइन हो गई, एडजेसेंट हुई कैपिटल आर बाय टू। हाइपोटेनियस क्या हो गया? ये वाली लाइन हो गई स्मॉल आर। तो हम लोग स्मॉल आर को क्या लिखेंगे? Therefore, small r equals to capital R by 2 upon में cos theta, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है। बी वन कितना आएगा? बी वन आएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई कैपिटल R by 2 और उसके अपॉन का cos theta है, तो वो cos theta हम लोग कहाँ लिखेंगे? वो डेफिनेटली ऊपर लिखा जाएगा कॉस थीटा। तो ये 2 से 4 कैंसिल कर दिया। बी नॉट की वैल्यू, बी वन की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन, ये स्क्रीन पे आ रहा है लेकिन इतना
एक मिनट आ जाएगा। म्यू नॉट आई आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, टू पाई कैपिटल आर और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो बी वन का वैल्यू बना म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, यार पाई आर एक सेकेंड, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वो फील्ड यार फोर पाई आर नहीं आएगा, टू पाई आर आना चाहिए। एक गड़बड़ होगी यहाँ पे, रुको मैं यहाँ यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे टू पाई आर चाहिए, ये है टू ऑलरेडी, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा नहीं यहाँ पे टू, यानी हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे म्यू नॉट आए कॉस थीटा अपन पाई आर। तो ये हुआ बी वन, वैसा ही बी टू बनेगा सिमिलरली। चलिए मैं इस ऊपर वाली साइड को थोड़ा रफ कर देता हूँ। जैसा हमने ये बनाया वैसा ही बी टू बनेगा, तो लिखेंगे सिमिलरली बी टू इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फिर से इसको कॉपी कर दो, म्यू नॉट आए कॉस थीटा अपॉन के अंदर क्या आएगा पाई आर। ठीक है, अब ये आ गई दो बी वन और बी टू की वैल्यू। तो रिजल्टेंट फील्ड एट पी, एट पॉइंट पी, देयरफॉर रिजल्टेंट रिजल्टेंट बी एट पी इज गिवन बाय, तो कैपिटल बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू करना है, तो इनको ऐड कर देना है बस दोनों को, खत्म, दोनों को ऐड कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। कर देते हैं कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अच्छा एक जो ये होता है ना बी वन प्लस बी टू, अगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ऐसा है कि एक्स और वाई, ये दो वायर्स है मान लीजिए, इस दो वायर के अंदर से करंट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इस करंट के डायरेक्शंस के बारे में जो क्वेश्चन में बताया गया था कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आर सेपरेट बाय डिस्टेंस कैपिटल आर एंड कैरिंग करंट आई ईच ऑफ द सेम डायरेक्शन शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स लाइक दिस। कोई एक कंडीशन दी है आपको कि ये प्रूफ करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना ये टारगेट है हमारा, हमको एक वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, सो हम लोग बी वन प्लस बी टू डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, ये ऐड करके क्या मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर कॉस थीटा को ऐड कर देंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई कॉस थीटा पाई आर। यार कोई मतलब नहीं है, ऐड करके काम नहीं बनने वाला, ऐड करके काम बनेगा नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको रोक देते हैं यहीं पे। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि बी वन और बी टू मतलब दोनों साइड से जो मैग्नेटिक इंडक्शन निकलेगा, यानी एक्स पॉइंट के कारण वाई पॉइंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा इस पी पॉइंट पे वो रहेगा सेम, वो बी वन और बी टू इक्वल आ जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। तो रिजल्टेंट 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 लिखेंगे कैसे, रिजल्टेंट फील्ड एट फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी उसे लिखने के लिए लिखना होगा बी नेट इक्वल टू बी नेट, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बी नेट इक्वल टू टू बी, यानी टू टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का टू टाइम्स इनटू कॉस ऑफ व्हाट, ये एंगल कितना है पाई बाय टू माइनस थीटा है, दिख रहा है ये वाला एंगल पाई बाय टू माइनस थीटा, ये लिखना होगा इक्वेशन। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाता है टू बी साइन थीटा। अब अपने पास बी का वैल्यू रेडी है, ये वाला बोल दो या ये वाला बोल दो, सॉरी ये वाला। सो अब हम वो वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बी नेट के नाम से, बी नेट इक्वल्स टू टू इंटू बी का वैल्यू कितना है न्यू नॉट आई कॉस थीटा अपॉन पाई आर,
और इनटू में साइन थीटा। तो बच्चों ये टू, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, इन सब से मिलके एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर इंटू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा फॉर्मूला किस चीज़ का है, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया था कि ये है। तो यहाँ पे आपको आंसर की एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट बना के देता हूँ आप लोग को, रुकिए ये साइड में लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट ऐसा लिखना होगा, देयरफॉर द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग टू वायर्स, पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग जिसमें से दो वायर जा रही है, कंटेनिंग टू वायर्स। बच्चों अगर ये करंट के डायरेक्शन अपोजिट होती ना तो कुछ अलग लगता है, यहाँ पे याद रखना ये सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं इसलिए ऐसा हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट लिख पाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। आपकी थ्योरी में देख लेना एक बार, जब करंट लीविंग द पेपर द प्लेन, करंट एंटरिंग द प्लेन, इस तरह की कंडीशंस दी हुई है उस हिसाब से देखेंगे तो फिर आंसर अलग अलग बनते थे। तो अब आगे चलते हैं, लेट्स सी। चलिए साहिल श्रीनाथ, साक्षी घाटोड़, एवरीवन इज वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ। और कितने मिनट का क्लास हो गया ज़रा मैं देख लूँ, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो रहा है क्योंकि बहुत डिटेल जाना पड़ रहा है, काफ़ी दिनों से गैप गिर गया था आप लोग का। सो आखिर के दो क्वेश्चन हैं, चलिए फर्स्ट फटाफट निपटा देते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन और 21 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फिगर शो अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए। एक वायर का डायमीटर ए दिया है आपको, डायमीटर ए, सीरियसली ये तो रेडियस है डायग्राम के हिसाब से। कैरिंग अ करंट आई, देन करंट डेंसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली विद द रेडियल डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द एक्सिस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जे इक्वल टू जे नॉट। जे होता है करंट डेंसिटी, जिसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है अगर पूछेंगे तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, बस। सो जे नॉट का एक, जे का एक वैल्यू दिया है कि जे नॉट इंटू आर अपॉन ए। यार ए यार यहाँ पे डायमीटर बोल रहा है, डायग्राम में रेडियस दिख रही है। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इन साइड द वायर एट अ डिस्टेंस स्मॉलर। ओके, उस जो स्पीयर है उसके सॉरी सिलेंडर है उसके अंदर एक रेडियस के ऊपर आपको पर्टिकुलर आर इतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द इट्स सेंटर। उसके नीचे का क्वेश्चन देखिए, इन द अबव प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में वॉट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी इन साइड द वायर एट अ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर इफ द करंट डेंसिटी जे इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी दूसरे क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का इस्तेमाल करना है, दोनों भी इक्वेशन एक दूसरे से डील करने वाली है यार। चल देखते हैं, सिंपल है ये, अगला चैप्टर किस लिए आ गया, सिंपल तो है, चलो देख लेते हैं। हो गया उतना हो गया, अगर ज़्यादा लोड लगे तो आप लोग इसे आराम से देखते रहना, आपके पास में वक्त ही वक्त है, आपको जब चाहे कंप्लीट करना है करिए। ओके देन, ओके क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 20 में एम्पियर लूप का इस्तेमाल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप ने क्या पढ़ाया, एम्पेरियन लूप ने पढ़ाया बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे इक्वेशन नंबर एक कॉल कर दो, ठीक है। फिर इसे इक्वेशन नंबर वन कॉल कर दिया। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, करंट
डेंसिटी का डेफिनेशन के हिसाब से इज जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि करंट का फॉर्मूला बनेगा करंट आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। ठीक है, अब जे यानी मैं आपका जो होता है करंट डेंसिटी का सिंबल है और ए आपको पता है कि एरिया होता है। तो अब आपका एक सेकेंड, देयरफॉर आई इक्वल टू जे इंटू ए के लिए लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है जे का आई का सॉरी जे इंटू पाई आर स्क्वायर वो यहाँ पे आई की जगह पुट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन कैपिटल बी का जवाब बनेगा कैपिटल जी बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक चीज़ आपको ट्विस्टेबल दिखेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में जे का वैल्यू लिया है जे नॉट आर अपॉन ए, ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे वो वैल्यू पुट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इसको कैसे करें। वेट, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, सीधा सीधा है। अब क्वेश्चन में दिया है तो इस जे की जगह पे पुट करना है। गिवन लिख दो, यहाँ पे गिवन कैपिटल जे इक्वल टू जे नॉट स्मॉल आर बाय ए। तो चलो इधर लाइन खींच देता हूँ थोड़ा। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, देयरफॉर कैपिटल बी टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट स्मॉल आर बाय ए और ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। जो आप वहाँ बैठ नहीं रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ नीचे ऐसा। तो इतना तो हो गया। अब आपको ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इसको डेरिवेटिव लगा दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव द वैल्यू लाइक, अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए डी आई इज इक्वल टू कैपिटल जे पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू आर इंटू डी आर, ये आएगा डेरिवेटिव इसका, इस तरह से डी आई की वैल्यू टू पाई आर इंटू डी आर। और कैपिटल जे की वैल्यू क्या दी है, डी आई इज इक्वल टू कैपिटल जे की वैल्यू हमको किताब में दी है जे नॉट स्मॉल आर अपॉन ए फिर पाई टू आर डी आर, कुछ इस तरह से। अब इसका निकालते थे इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे नॉट स्मॉल आर पाई टू आर, यार ये तो स्क्वायर कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, डी आर अपॉन ए। वेट, आपकी स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, एक मिनट, हाँ परफेक्ट है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड चेंज करनी ज़रूरी है यहाँ पे। तो इंटीग्रल डी आई का मतलब तो समझ गया आपको कि आई निकलेगा, फिर जे नॉट पाई और टू का तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, अपॉन में ए है उसका भी सॉल्व नहीं होगा, इनको बाहर रख लो, अंडर इंटीग्रेशन में आर का स्क्वायर डी आर, बस इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखते हैं। इंटीग्रल डी आई का वैल्यू आ जाएगा आई इज इक्वल टू प्रीवियस वाली वैल्यू, इंटीग्रल जे नॉट पाई टू और अपॉन ए आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू जे नॉट टू पाई, इनका कुछ नहीं हो सकता, अपॉन ए, इनको बाहर निकाल लो, इंटीग्रल निकलेगा आर स्क्वायर डी आर का। तो आई इज इक्वल टू जे नॉट टू पाई
आर क्यूब बाय थ्री आएगा ये आंसर, आर क्यूब बाय थ्री अपॉन में इधर ए तो है ही अपने पास. सो फाइनली करंट इज इक्वलेंट टू द जे नॉट टू पाई आर क्यूब अपॉन थ्री ए. अब ये जो वैल्यू बनी आपकी करंट की, इस वैल्यू को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है एक इक्वेशन में जो आएगा आपके फर्स्ट इक्वेशन के बराबर. फर्स्ट इक्वेशन यानी हमारे जो एक मिनट पिछली स्लाइड है इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, इसमें आए की जगह पे ये वैल्यू डालनी है. तो ये इक्वेशन नंबर वन मान लो और इसे इक्वेशन नंबर टू मान लो, फ्रॉम वन एंड टू सीधा सीधा फ्रॉम वन एंड टू आंसर निकल के आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर. एक साइड थी इसकी बी इंटू टू पाई आर थी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट टू पाई आर क्यूब अपॉन थ्री ए. बच्चा पार्टी टू पाई कट गया, आर आर क्यूब के साथ कट गया. तो बी का आंसर क्या बना, बी इक्वल टू बना म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वेयर अपॉन थ्री ए बन गया. ये है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू. एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, उसके अंदर मिल जाएगा. अब इसी में सेकंड क्वेश्चन भी दिया है तो फिर उसको भी सॉल्व करना है. चलिए करते हैं. ये लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आराम से लिखते रहना, आपके पास वक्त ही वक्त है. मैं पहली वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ और यहीं इसी को मैं क्वेश्चन नंबर 21 करार दे रहा हूँ. तो क्या सर सेम आंसर आएगा? लगभग सेम है, एग्जैक्टली पूरा का पूरा आंसर सेम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू एम्पिरियन लूप हमारी पहली इक्वेशन तो है ही हमारे पास, ठीक है. उसके बाद करंट डेंसिटी, यहाँ तक तो पूरा सेम है, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ से करेंगे. तो लेट्स टेक लूप, क्या आंसर आना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसे, कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं. सो आई इज इक्वल टू कैपिटल जे पाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यानी डी आई इज इक्वल टू कैपिटल जे पाई ट्वाइस आर डी आर, ये डेरिवेटिव होता है डी आई का, ठीक है. अब इसको लगाते हैं इंटीग्रेशन, अप्लाई इंटीग्रल, अप्लाई इंटीग्रल. तो क्या होगा, इंटीग्रल डी आई इंटीग्रल कैपिटल जे पाई टू आर डी आर. तो बच्चों इंटीग्रल डी आई का मतलब आ गया आई इजिकल टू कैपिटल जे पाई टू इंटीग्रल आर डी आर करना पड़ेगा. अच्छा है, अच्छा है, सही है. तो आई इक्वल टू कैपिटल जे पाई टू आर स्क्वायर बाय टू, टू टू कट गए यहीं काट दो, ठीक है. तो बच्चा कितना आई का वैल्यू, पाई जे आर स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर वन में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन वन. कैसे लिखेंगे, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पे पाई जे आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आर आर स्क्वायर कैंसिल. कैपिटल बी का आंसर क्या आएगा, कैपिटल बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल जे स्मॉल आर अपॉन में टू. हो गया आंसर, यही प्रूफ है, देख ले एक बार. क्वेश्चन नंबर 21 का प्रूफ देख ले एक बार, यही है म्यू नॉट जे आर अपॉन में टू चाहिए, वो पाई लिखा हुआ है हर जगह पे, मिस्टेक ही मिस्टेक करके रखी हुई है, टू चाहिए अपॉन में, टू ही आएगा वो, श्योर है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड एन्जॉय द क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो. काफ़ी लंबा हो गया आज लेक्चर, 45 मिनट का लेक्चर हो गया. चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी था, लेकिन चैप्टर तो खत्म हो गया. अब कल हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसके न्यूमेरिकल और उसके बाद जूम पर रेगुलर क्लासेस. जूम पर थ्योरी कंप्लीट की जाएगी और अगर ऑफलाइन लगता है तो फिर देखेंगे क्या करना है कैसे करना है. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.